दोस्तों, ये जो व्यू है पिछले 100 किलोमीटर से ऐसा ही आ रहा है, और ये पहाड़ के पीछे पूरा पाकिस्तान है और इधर हिंदुस्तान है, और हर जगह बॉर्डर का सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के जवान तैनात हैं। उनके वजह से ही हम लोग चौड़े होकर घूम पा रहे हैं, और रोड बहुत बेहतरीन है। बगल में देखिए नदी, संजू नदी, रास नदी नाम है, रास रिवर, और ये NH1 है, ये आपका लेह तक जाती है इधर से। हाँ, ये पूरा गांव है, यहाँ से करगिल 34 किलोमीटर है, जो मेन सिटी है करगिल। ऐसे करगिल वॉर मेमोरियल जहाँ पर वॉर हुआ था, वो पॉइंट हम लोग पीछे छोड़ के आगे निकले हैं अभी, जहाँ शहीदों के सारे मेमोरीज रखे हुए हैं वहाँ पर, कैसे वॉर हुआ था, कौन कौन सा चीज़ पाकिस्तान का पकड़ाया था। ओ चांद, व्यू देखिए दोस्तों, ऊपर देखिए ग्लेशियर, और ये हम लोग लद्दाख रीजन में इंटर कर गए हैं, हालांकि हैं अभी कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ही, लेकिन रीजन ये लद्दाख है, और ये बंजर पहाड़, अब पूरा यही पहाड़। अब फिर हम लोग हाइट पे चल रहे हैं, एक बार नीचे आगे तो देखिए उधर पूरा ग्लेशियर, टॉन एरिया पहाड़ के ऊपर में भी टावर लगाया है, टावर जो रहे, लेकिन ये जो ग्रीनरी कुछ थोड़ा मिल रहा है ना। हाँ, देखिए इधर ऊपर आर्मी का कैंप है, और कुछ ही देर में हम लोग कारगिल जो हेडक्वार्टर है, देखिए कारगिल 8 किलोमीटर है, माइलस्टोन लगा हुआ है, मेमोरी, हाँ, दीवाने हुए हैं। हाँ, थैंक यू दोस्तों, ये एंट्री फीस है 50 रुपीज़ का, लेह डेवलपमेंट अथॉरिटी को, और अब हम लोग चल रहे हैं LOC कारगिल में, जो इंडिया का लास्ट विलेज है, और ये जो आप रिवर देख रहे हैं, ये लद्दाख से निकलती है, ग्लेशियर पिघल के आ रहा है, इस रिवर का नाम है सुरु रिवर। अभी हम लोग इसको क्रॉस करेंगे, और इसको क्रॉस करने के बाद हम लोग जाएंगे लास्ट विलेज। यस, तो सुरु रिवर आगे जाके द्रास रिवर में मिलती है, और दोनों मिलके चली जाती है पाकिस्तान।
हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में घुस गए। ये सड़क वन वे है और कारगिल का जो जिला है कारगिल का उसका ये मुख्यालय है। साथियों ये सब काफ़ी सेंसिटिव जगह है, देखिए ये सब घर, ये कारगिल टाउन है, ऊपर ग्लेशियर है और हर जगह पे आपको बर्फ दिखेगा। और यहाँ पर लद्दाख पुलिस है, लद्दाख जोन में आता है ये पूरा। तो हम लोग वन वे रूट में घुस गए थे लेकिन पुलिस वाले ने तंग नहीं किया जरा भी। और अभी हम लोग जो रूट है उसमें जा रहे हैं। ये जो पूरा शहर आप देख रहे हैं ये कारगिल टाउन है और ये जो नदी है वही सुरु नदी है जो पाकिस्तान की ओर जाती है। देखिए ये सुरु रिवर और हम लोग इसके पॉइंट तक भी जाएंगे। देखिए क्या खूबसूरत है नज़ारा, ये कारगिल शहर पूरा। और गाड़ी देखिए बोलता है फोर व्हील या सिर्फ देखिए 2 व्हील 800 ऑल्टो, ये सब यहाँ के लोकल पीपल हैं वो चलाते हैं। अभी हम लोग एक बार फिर सुरु नदी को क्रॉस करेंगे और नदी का पानी आप देखिए कितना ब्लू है। यस हम लोग अभी ऐसे जाके इधर ले इधर से इसमें ओ अच्छा ये वन वे है। देखिए ये वन वे सड़क है और इधर पूरा गेस्ट हाउस है, सब चीज है। काफी एडवेंचरस और थ्रिलिंग गांव है ये। हाँ ये उधर से वन वे है। हम लोग अभी ऊपर जो आप देख रहे हैं है? कुछ लोग हैं ऊपर जा रहे हैं हम लोग। देखिए कारगिल शहर आपको एक एक कोना दिखा रहे हैं कारगिल का। नहीं इधर अभी हम लोग यहाँ से स्ट्रेट निकलेंगे क्योंकि हम लोग लेह जा रहे हैं और लेह यहाँ से भी अभी 200 किलोमीटर है। काफी फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पर। देखिए पूरा मार्केट, रेस्टोरेंट है, कपड़े का दुकान है। ये ओरिजिनल जो कारगिल है वो है। टैक्सी स्टैंड है, फल वगैरह बिक रहा है। देखिए इधर ये पूरा टैक्सी स्टैंड है, बस है, होटल भी बहुत सब है। तो ये वो कारगिल लड़ाई यहाँ पर नहीं हुआ था, लड़ाई हुआ था जो वार मेमोरियल है जहाँ पर वहाँ पर, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय है कारगिल डिस्ट्रिक्ट का। और देखिए ऊपर पहाड़ के ऊपर भी फोर्ट, तो ये पूरा आर्मी का चप्पा चप्पा पर पहरा रहता है। देखिए ऊपर पोस्ट है और देखिए कितना खूबसूरत शहर है। देखिए अभी हम लोग अब इकबाल ब्रिज क्रॉस करेंगे। देखिए यहाँ से ऊपर जाने का, इधर हम लोग NH1 पकड़ के, ये यहाँ पर क्या क्या है, हेरिटेज घाट, ये वो बहुत सब चीज है घूमने का। यहाँ आइए चलिए अब आगे चलते हैं।
दोस्तों अभी उसी NH1 पर हैं, श्रीनगर ले हाईवे, और ये है नाम किला पास। आप देखिए क्या खूबसूरत लैंडस्केप है, और ये जो रोड और ये जो इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं ये 2-3 साल पहले ही हुआ है। और उधर देखिए दूर में जो आप ग्लेशियर दिख रहा है, तो ये पूरा बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है। अभी हम लोग 12,198 फीट पर हैं नामकिला पास। देखिए माउंटेन में क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में दिया गया है। हम लोग आज सुबह निकले थे श्रीनगर से, और आप देखिए श्रीनगर नहीं सोनमर्ग से, और देखिए ये ट्रक यहाँ पर आर्मी का कॉन्वॉय अधिक चलता है। और उधर आप देखिए दूर में हर तरफ आप जिधर देखिएगा हिलटॉप बर्फ से ढका हुआ है। और नाम किला कैफे है, छोटा सा कैफे है टूरिस्ट के लिए। तो दोस्तों जिंदगी में ऐसे जगहों पर एक बार जरूर आना चाहिए। देखिए यहाँ जिंदगी का मजा ले रहे हैं, और सड़क कंडीशन यहाँ के लोकल से बात करने में जो पता चला 2-3 साल में ही हुआ है इतना डेवलपमेंट। और ये देखिए पूरा भुरभुरा पैरक पहाड़, आप जिधर देखिए एक एक पहाड़ से हम लोग एक से उतरते हैं दूसरे में चढ़ते हैं, दूर तक देखिए रोड ही रोड है, पूरा रोड। और थोड़ा आगे जाने पे देखिए ये पूरा ग्लेशियर है प्योर वाइट, और इसके बारे में देखिए पूरा डिटेल दिया हुआ है। जम्मू से कैसे निकलते हैं हम लोग, जम्मू से निकले श्रीनगर, सोनमार्ग, बालटाल, अमरनाथ गुफा जो वहाँ पर है आपको वीडियो में दिखा, जो बालटाल में हम लोग रुके थे, उसके बाद जोजिला पास के मायाथैन, पांडरास, द्रास, वार मेमोरियल जो कारगिल वार मेमोरियल था, उसके बाद कारगिल, सुरू वैली, उसके बाद ये देखे हम लोग बाटाली, फाटुला टॉप, और अभी हम हैं नामकला टॉप, नामी कला टॉप पे हैं। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं लामासुरु, खलासी, उसके बाद ले, और ले से करीब 160 किलोमीटर का जर्नी करके ये है पेंगोंग ले, वहाँ जाएंगे। और नीचे जाएंगे तो नीचे है नुब्रा वैली, तो ये पूरा इंडिया का आखिरी पॉइंट हो जाता है, उसके बाद चाइना शुरू हो जाता है। तो जिंदगी का एक्साइटमेंट इधर ही है, थ्रिल देखिए धूप है, कैसा मजा आ रहा है सर चला के पहाड़ में, ठंडा था, टेम्परेचर देखिए यही है वो फॉर्चुनर जो देख सकते हैं आप गोड्डा से लगातार अभी लगभग 3,000 किलोमीटर से प्लस इस पे हम लोग सफर कर चुके हैं। और ये फॉर्चुनर नहीं होता तो लगता नहीं है कि हम लोग इतना ऊपर चढ़ पाते इतना स्मूथली। तो चलते हैं, अब आप लोग को दिखाते हैं अगला कहां पर क्या है। दोस्तों ये देखिए रास्ते में एक जगह पर हम लोग रुके हैं, ये इधर से है, थैंक यू, क्योंकि इधर से लद्दाख डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है लेह का, ये यहाँ पे लद्दाख का बॉर्डर ख़त्म हो रहा है इस पोर्शन में, और इधर से हम लोग का है वेलकम्स यू। तो लेह डिस्ट्रिक्ट में जो है ये जिला जो है लेह, और ये ऊपर आप देखिए यहाँ भी बर्फ जमा हुआ पूरा ग्लेशियर जो आपको वाइट दिख रहा हर तरफ। अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं कैफे में, और सुबह निकले 7-7:30 बजे के आसपास,
और देखिए अभी तक 250 किलोमीटर का मात्र सफ़र है ले जाने के लिए। आप इधर से देखिएगा तो आप देखिए दूर तक दिखेगा, इसी तरह पहाड़ में हम लोग को चलते जाना है, चलते जाना है मोड़ मोड़ के। और यहाँ पर अभी मैगी ऑर्डर दिए, मैगी वैगी खाएं। देखिए यहाँ ब्लॉग शूटिंग हो रहा है और ये देसी ब्लॉगर जो ब्लॉगिंग का कीड़ा मर चुका है। चश्मा लगाइए ना सर, चश्मा और लग गया है। अब मैगी वैगी ऑर्डर आता है उसके बाद खा के निकलेंगे। लाल वाला अंडा किसका है? तो भाई दोस्तों हल्का सा स्नैक्स के बाद अब देखिए सब फिर अप टू डेट है और अब हम लोग पुनः निकल रहे हैं। ये देखिए माउंटेन का डॉगी इस रेस्टोरेंट वाले का, इसको भी खाना दिए। दोस्तों ये जो चिप्स का पैकेट है देखिए बहुत फुला हुआ और इसका रीजन है कि ये हाई अल्टीट्यूड पे है, 12,000 फीट पे है, इसलिए ये प्रेशर के वजह से ये फूल गया। ये नीचे जाएगा तो फिर नॉर्मल जैसा चिप्स का पैकेट होता वैसा ये देखिए दब नहीं रहा है अभी। चलिए अब चलते हैं। अरे हम लोग का घर वही है जी, दुमके है। और कोई है तुम्हारे साथ? रानेश्वर, हाँ मसानजोर डैम के पास। मसानजोर डैम के पास है? और कौन है तुम्हारे साथ? और के है दुमका का? यहाँ कितना आदमी है यहाँ दुमका का? कब से काम चल रहा है ये? कब से काम चल रहा है? देखिए साथियों ये काम चल रहा है यहाँ पर, बीआरओ का रोड बन रहा है और हम लोग झारखंड से, देखिए ये दुमका से एक मजदूर है यहाँ पर काम करने आया, ऐसा बोला कि 5-6 लोग है यहाँ पर जो काम कर रहा है बीआरओ के साथ। देखिए पहाड़ बोले हो गया ना करीब, अभी हम लोग 13,500 के अल्टीट्यूड पे हैं। देखिए लग रहा है कि आसमान को ऐसे ही हाथ से छू लेंगे। देखिए 13,000 फीट पे कैसे रोड बनता है और नीचे से मिर्च प्लांट है, नीचे वहां से अलकतरा भर के लाता है। बाएं बहुत सुंदर है, चलिए बढ़ा के चलिए, और बढ़ा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। देखिए पूरा रोड बन रहा है और लोकल से जब बात किया तो बोला यूनियन टेरिटरी जब से बना है तो उसके बाद ही इतना डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू हुआ है। रोड ये देखिए पुराना रोड है और अभी रिपेयरिंग शुरू हो गया। देखिए ग्लेशियर, ये धरती का स्वर्ग यही है, मरने से पहले अगर स्वर्ग जाना है फील करना है तो यहाँ आइए। अभी हम लोग 14,000 फीट पे हैं, एक एक मोड़ पे करीब 200-300 फीट ऊपर उठ रहे हैं। देखिए धूप भी है ऊपर, ये व्यू देखिए साथियों, नीचे धूप है ऊपर बादल है, लग रहा है बारिश होगा आज, और अगर बारिश हो गया तो स्नोफॉल होगा और ऊपर बर्फ गिरा हुआ है। और इधर ये जो लद्दाख का चट्टान है, भूरा सा पहाड़, अभी भी यहाँ से लेह 118 किलोमीटर है और हर जगह बीआरओ के द्वारा बहुत ही
बेहतरीन तरीके से रोड को बनाया गया है। देखिए ये गांव है, यहाँ पर पंचर का दुकान है। पानी पीते रहिएगा, नहीं रूम में लोड नहीं। अब पानी पीते रहिएगा जब तक सोते नहीं है, हर 15 से 20 मिनट के बाद सिर्फ बस सिर्फ पानी, धीरे धीरे पानी पीते रहिए एक एक बूंद करके, सुबह तो बाद फिट हो जाएगा। चलिए होटल दिखाते हैं आपको, क्या जबरदस्त है। अरे यार होटल तो दोस्तों ये है रूम, और ये देखिए क्या जबरदस्त रूम है, और इतना ठंडी के बाद भी पंखा लगा के रखा गया। और ये है ऑटोमेटिक रूम हीटर जो 8 बजे के बाद चलेगा, और ये हम लोग का लगेज आ गया है। यहाँ पे देखिए कि चाय बनाने का सामान दिया हुआ है कुछ, और ये बहुत जबरदस्त बेड है।
और ये देखिए बाथरूम, जबरदस्त बाथरूम में भी हीटर लगा हुआ है क्योंकि ये काफी ठंडी जगह है। और मैनेजमेंट ने बताया कि हर 3-3 घंटे में पानी पीना, दो दो बूंद, और हर 15 मिनट पर 3-3 बूंद। हेलो यार, हेलो। तो दोस्तों अब आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल ले में।